सौगात, गोरखपुर में किया एम्स का उद्घाटन, खाद कारखाने को भी जनता को सौंपा। पूर्वांचल में गरजे पीएम मोदी, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता चाहिए। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, कहा मोदी है तो मुमकिन है के नारे को प्रधानमंत्री ने किया संभव, 2016 में शिलान्यास के बाद आज उद्घाटन भी किया। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने की तैयारी, प्रियंका ने प्लानिंग और स्ट्रेटेजी कमेटी के साथ की बैठक, आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, साथ ही गोरखपुर की जनता को एम्स सौंपा। वहीं उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने गोरखपुर पहुंचकर खाद कारखाना और एम्स पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान आपको बता दें पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। वहीं प्रदर्शनी अवलोकन के बाद पीएम मोदी मंच पर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने भगवान गणेश की प्रतिमा देकर उनको सम्मानित कर उनका स्वागत किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोरखपुर पहुंचे थे पीएम मोदी, किस तरह से सीएम योगी ने पीएम का वहां पर स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 9,600 करोड़ रुपए की सौगात जनता को दी। इसके साथ ही उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में पीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। धर्म, अध्यात्म और क्रांति का नगरी गोरखपुर का देवतुल्य लोगन के हम प्रणाम करत बानी। परमहंस योगानंद, महायोगी गोरखनाथ जी, वंदनीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और महाबलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का ये पावन धरती का कोटि कोटि नमन। आप सब लोग जवने खाद कारखाना और एम्स का बहुत दिन से इंतजार करत रहिल है, आज वो घड़ी आ गइल बा। आप सबके बहुत बहुत बधाई। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। गोरखपुर में आज हो रहा आयोजन इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साथियों, जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया था तो उस समय देश में फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत बुरी स्थिति में था।
देश के कई बड़े बड़े खाद कारखाने बरसों से बंद पड़े थे और विदेशों से आयात लगातार बढ़ता जा रहा था। एक बड़ी दिक्कत ये भी थी कि जो खाद उपलब्ध थी उसका इस्तेमाल चोरी छिपे खेती के अलावा और भी कामों में गुपचुप चला जाता था। इसलिए देश भर में यूरिया की किल्लत तब सुर्खियों में रहा करती थी। किसानों को खाद के लिए लाठी गोली तक खानी पड़ती थी। ऐसी स्थिति से देश को निकालने के लिए ही हम एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़े। हमने तीन सूत्रों पर एक साथ काम करना शुरू किया। एक, हमने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका, यूरिया की 100% नीम कोटिंग की। दूसरा, हमने करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। और तीसरा, हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। भाई और बहनों, फर्टिलाइजर प्लांट के शिलान्यास के समय मैंने कहा था, इस कारखाने के कारण गोरखपुर इस पूरे क्षेत्र में विकास की धुरी बनकर के उभरेगा। आज मैं इसे सच होते देख रहा हूं। ये खाद कारखाना राज्य के अनेक किसानों को पर्याप्त यूरिया तो देगा ही, इससे पूर्वांचल में रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर तैयार होंगे। अब यहां आर्थिक विकास की एक नई संभावना फिर से पैदा होगी, अनेक नए बिजनेस शुरू होंगे। खाद कारखाने से जुड़े सहायक उद्योगों के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस सेक्टर को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। आपने देखा, इतना बड़ा एम्स बन गया। इतना ही नहीं, रिसर्च सेंटर की अपनी बिल्डिंग भी तैयार है। जब मैं एम्स का शिलान्यास करने आया था तब भी मैंने कहा था कि हम दिमागी बुखार से इस क्षेत्र को राहत दिलाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। हमने दिमागी बुखार फैलाने की वजह को दूर करने का पर भी काम किया और इसके उपचार भी। आज वो मेहनत जमीन पर दिख रही है। आज गोरखपुर और बस्ती डिवीजन के 7 जिलों में दिमागी बुखार के मामले लगभग 90% तक कम हो चुके हैं। जो बच्चे बीमार होते भी हैं, उनमें से ज्यादा का जीवन बचा पाने में हमें सफलता मिल रही है। योगी सरकार ने इस क्षेत्र में जो काम किया है उसकी चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। एम्स और आईसीएमआर रिसर्च सेंटर बनने से अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्ति के अभियान को और मजबूती मिलेगी। चुनाव नजदीक आते ही रैलियों का दौर शुरू हो चुका है और इसी को लेकर अलग अलग पार्टियों के नेता जनता की नब्ज
टटोल रहे हैं, तो वहीं एक दूसरे पर पार्टियों की कमियां भी गिना रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में मंगलवार को सपा और रालोद के गठबंधन के बाद दोनों ही नेता मेरठ पहुंचे, जहां दोनों राजनेताओं ने मंच साझा किया। इस दौरान दोनों दिग्गज नेताओं ने बीजेपी को जमकर घेरा, तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार, आपको बता दें ये पहली चुनावी रैली सपा और रालोद की थी और मेरठ में ये रैली थी, जिसके बाद मेरठ में अखिलेश जयंत की ये साझा रैली देखने को मिली। साथ ही आपको बता दें उन्होंने बीजेपी को जमकर वहां पर घेरा। पूरे देश में जिस तरह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने अपने पैर पसारे थे, लगभग ठीक उसी तरह से कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी अपने पैर पसार रहा है। वहीं ऐसे में लोगों की समस्याएं भी सामने आ रही है कि वो डेल्टा प्लस और ओमिक्रॉन की पहचान आखिर कैसे करें। इन सवालों के जवाब ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर BP त्यागी ने दिए, तो आप भी सुनिए। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे ओमिक्रॉन आज की तारीख में चल रहा है, जो कोरोना का वेरिएंट है, इसका जो भी इन्फेक्शन अभी तक स्टडीज हुई हैं उसमें बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्द रहता है और टायर्डनेस रहती है, थका हुआ रहता है मरीज, पर उसको कोई सांस की दिक्कत नहीं मिली है क्योंकि इसमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। जो हमारा ये कॉमन कोल्ड का पेशेंट होता है उसमें नाक का बहना होता है, उसमें हल्का सा बुखार होता है, उसमें सूखी खांसी होती है और उसमें लेकिन इतना बदन दर्द नहीं होता है और इतनी टायर्डनेस नहीं होती है। इसके साथ साथ जो एलर्जी वाले पेशेंट हमारे पास आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है आज की तारीख में, तो उनको छींक ज़्यादा आएंगी, उनको खुजली होगी नाक के आसपास और उनको थोड़ा सा सांस में दिक्कत होगी और उनको ऐसा रहेगा जैसे मेरी छाती में बहुत खिंचाव सा हो रहा है, उसको हम कंजेशन बोलते हैं, चेस्ट कंजेशन। और उसके साथ साथ ना तो उनको बुखार होगा, ना उनको बदन दर्द होगा, ना उनको बहुत ज़्यादा थकान रहेगी। और उस जो ये ओमिक्रॉन है इसमें और एलर्जी में ये भी अंतर होगा कि उसमें पेट में थोड़े मोड़े सिम्टम हो सकते हैं लेकिन एलर्जी में पेट वाले सिम्टम बिल्कुल नहीं होंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकारी अलर्ट हो चुके हैं। वहीं मंगलवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर अधिकारियों की चुनाव को लेकर समन्वय बैठक आयोजित की गई, जहां आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों राज्यों के अधिकारियों ने गोष्ठी की। साथ ही इस दौरान DM और SP ने बॉर्डर के संबंधित अधिकारियों को गुंडा अल्टीमेटम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। तो ऐसे में यूपी और उत्तराखंड के अधिकारियों ने ये बैठक की है। आपको बता दें कि चुनाव को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन पूरी तरह से नजर आ रहा है और इसी कड़ी में यूपी और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों के अधिकारियों ने ये समन्वय बैठक की थी। माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में अंतरराज्यीय जो जनपद हैं उनमें समन्वय स्थापित करके निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ वार्ता की गई है और निर्वाचन के लिए जो भी निर्देश हैं आयोग के उनका 100% अनुपालन कैसे किया जाए, अधिकारियों में सामंजस्य कैसे स्थापित हो सके और अभी से उसके लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जो बॉर्डरिंग स्टेट है तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर और जो उत्तराखंड का है हरिद्वार, पौड़ी और ऊधम सिंह नगर, तीन जनपदों के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, थानाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों की गोष्ठी हुई। इसमें अपराधियों की सूचनाओं का आदान प्रदान, NBW, शराब की तस्करी, असलहों की तस्करी, यहाँ तक कि अगर कोई डबल वोटर है इस पर भी चर्चा की गई और व्यय के संबंध में जो रुपए पैसे का जो गुप्त रास्ते हैं, पोरस मार्ग हैं, उनके हाईवे पर CCTV कैमरा, सभी चीज़ों की चर्चा की गई।
खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां चुनावी बिगुल बजते ही वोटों का संग्राम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि गोंडा जिले के मेहनौन विधानसभा में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा के सचिव ने आरोप लगाया है कि विशेष जातिगत इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिंदा आदमियों को मृतक दिखाकर और उनके नाम पर वोटर लिस्ट से कटवा रहे हैं। वहीं वोटर लिस्ट में लगे कर्मचारी भी इस मामले में संलिप्त पाए गए हैं। तो गोंडा का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और ऐसे में दरअसल सपा महिला मोर्चा सचिव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि लिस्ट से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। दरअसल आरोप ये लगाया गया है कि विशेष जातिगत इलाकों में भारतीय जनता पार्टी जिंदा आदमियों को मृतक दिखाकर नाम उनके वोटर लिस्ट से कटवा रही है, साथ ही इस काम में कर्मचारी भी संलिप्त पाए गए हैं। यहाँ पुनरीक्षण में जिलाधिकारी महोदय, हम लोग सीआरओ साहब, एसडीएम साहबान सतत निरीक्षण कर रहे हैं, सघन पर्यवेक्षण कर रहे हैं। जो आपने बताया बहुत मात्रा में कटने वाली बात है, ऐसा होना बहुत मुश्किल काम है। और मैंने अभी भी जो एआरओ हैं उनसे बात की थी, उन्होंने वही बताया किसी में 15 कटे हैं, किसी 20 कटे हैं। और अगर ऐसा ज्ञान में आता है तो बिल्कुल होगा नहीं, मैं सपना, हम लोग इतना खुद लगे हुए हैं। पूरा मामला ये था कि हमारे कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि यहाँ पे जिंदे लोगों को मृतक दिखाया जा रहा है। फिर हम वहाँ अचानक से पहुँचे लोनावा दरगाह, वहाँ के बूथ संख्या को हमने चेक किया, सारे बूथ संख्या में 800 लोगों का नाम कट मृतक में यहाँ से पर्यवेक्षक के द्वारा भेजी गई थी तहसील से, वो रिपोर्ट बीएलओ के पास। तो हमने बीएलओ से पूछा कि आपको ये कौन दिया है, बाकी काफ़ी लोग हमारे साथ जीवित जिंदा खड़े थे, उनको भी ये लोग मृतक घोषित कर करके ऐसे कार्य कर रहे हैं। बस्ती जिले में किसान डिग्री कॉलेज छात्र संघ का चुनाव निरस्त होने के बाद छात्र धरने पर बैठ गए। वहीं इसी बीच धरने पर बैठे एक छात्र को खून की उल्टियां होने लगी। वहीं छात्र की हालत का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। छात्र की इस हालत को देखकर लोग पुलिस की ओर से लाठीचार्ज की आशंका जता रहे हैं। आपको बता दें कि छात्र संघ के चुनाव निरस्त होने के बाद लगातार धरना दे रहे थे छात्र और चुनाव की बहाली की मांग कर रहे थे। फिलहाल छात्रों का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो बस्ती का ये पूरा मामला है, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से धरने पर छात्र बैठे हैं। और ऐसे में एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसको खून की उल्टियां होने लगी, जिसके बाद पुलिस पर लाठी चार्ज का आरोप आशंका जो है वो जताई गई। हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त वीडियो आज दिनांक 6/12/2021 का ना होकर दिनांक 4/12/2021 का है। उक्त छात्रों द्वारा जिनके द्वारा नारेबाजी व विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके द्वारा KDC महाविद्यालय प्रबंधन तंत्र के विरोध में भाषणबाजी, नारेबाजी व विरोध प्रदर्शन किया गया था, परंतु पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने बुझाने पर उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया गया था। उक्त छात्रों के ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं किया गया था। उक्त वीडियो दिनांक 6/12/2021 का न होकर दिनांक 4/12/2021 का है तथा उक्त वीडियो की गहनता से जांच की जा रही है। मथुरा के वृंदावन में विद्यापीठ चौराहा जंग का मैदान बन गया। आपको बता दें ये मामला असली बनाम नकली किन्नर का था, जहां असली किन्नरों ने नकली किन्नरों की जमकर पिटाई कर दी। खबरों की माने तो पूरा विवाद श्री बांके बिहारी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से कुछ लोगों की ओर से किन्नर बनकर पैसे मांगने का था। वहीं क्षेत्रवासियों ने भी कई बार इन नकली किन्नरों की इस हरकत पर विरोध जताया था। वहीं जब शहर के असली किन्नरों को इसकी भनक लगी तो सभी विद्यापीठ चौराहे पर पहुंच गए और पैसे मांग रहे नकली किन्नरों को धर दबोचा, जिसके बाद ही असली बनाम नकली के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। तो तस्वीरें भी देख सकते हैं मथुरा की, किस तरह से असली किन्नर और नकली किन्नरों में ये जमकर पिटाई हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।